हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं आपके समक्ष। इस नई वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कौन से प्रश्न को देखेंगे? देखिए, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 को देखेंगे, जो कि त्रिकोणमिति का प्रश्नोली एक का 10वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें मैं प्रश्न को लिख दिया हूँ, ठीक है। प्रश्न 10वां है हमारा, यदि एक्स इक्वल ए कोसेक थीटा दिया है, ठीक है, और वाई इक्वल दिया है बी कॉट थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन प्रूफ करना है, ठीक है। हमें दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर दिया है एक्स इक्वल, जो दिया है उसको लिख दो भैया, उसी से तो हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो दिया है उसको मैं लिख देता हूँ, एक्स इक्वल ए कोसेक थीटा, ये दिया है, ठीक है। इसी तरह से और क्या दिया है, y इक्वल बी कॉट थीटा, ये तो दिया है, इसी से हम लोग प्रूफ करना है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल वन प्रूफ करना है। तो जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, हम लोग को बार बार बोलता हूँ, यदि गुणा का संबंध रहता है तो हम लोग जानते हैं गुणा के संबंध में जब किसी को भी हम लोग पक्षांतर करते हैं तो वो अपान में आ जाता है, भाग में आ जाता है, ठीक, इसमें होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर ए जो है कोसेक थीटा के इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, गुणा के संबंध में है। यदि मैं ए को लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर करना चाहूँ भैया, तो ये इसके अपान में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो चलिए, इसको इस साइड में पक्षांतर कर देते हैं, तो एक्स बटे ए इक्वल हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बता देना, ठीक है। इसी तरह से देखिए, हम लोग इसको भी सॉल्व करने वाले हैं, तो बी कॉट थीटा के साथ इनटू के संबंध में है, गुणा के संबंध में है भैया, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड इसको भी पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने पर ये भाग में आ जाएगा, तो वाई अपान बी इक्वल कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर ही होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब उसके पश्चात देखो, हमें प्रूफ करना है उसको, देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल वन प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है ए का स्क्वायर दिया है और एक्स का भी स्क्वायर दिया है, इसका अर्थ है कि वर्ग किया है, क्या किया है, वर्ग किया है। तो हम लोग इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। चलिए वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, एक बाई ए का वर्ग इक्वल ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको अलग से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको, केवल मैं वर्ग किया हूँ, ठीक इसी तरह से इसको भी वर्ग करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग, तो y अपान b का पावर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसको एक बार और लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है, ओनली मैं वर्ग किया हूँ दोनों इक्वेशन को। अब उसके बाद देखो, हमें प्रूफ करना है उसको, देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस किया है वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को घटाया है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इसको समीकरण एक मानो और इसको समीकरण क्या मानो, दो मानो, ठीक है। अब उसके पश्चात कर लो समीकरण एक में, समीकरण दो को घटाने पर यहाँ पर आप लोग हिंदी में लिख सकते हो भैया, समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, चलिए घटा लेते हैं, तो फिर लेफ्ट लेफ्ट साइड के साथ घटेगा और राइट के साथ घटेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को घटा दिया, वैसे राइट हैंड राइट के साथ घटेगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बात आती है सूत्र की, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बना के बता दिया था आप लोगों को। यदि आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर तो सूत्र ही तो लागू हुआ है। याद क्यों? यहाँ पर मैं सूत्र को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और एक बार याद हो जाए। देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। याद कराया था, सर्वसमी का सूत्र है ये। अब उसके पश्चात कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दें? पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी सूत्र से देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या निकला? 1 निकला। क्या निकला? 1। अर्थात इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, 1 मिल गया। अतः आप लोग लास्ट में इसको ऐसा लिख देना, एक्स स्क्वायर अपान, इसी को लिखना है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल क्या प्रूव हो गया? 1 प्रूव हो गया। देखो, बड़ी आसानी से इसको हम लोग प्रूव कर लिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यदि आप लोग पेन और कॉपी पकड़ के बैठे हो तो कृपया नोट कर लो, ठीक है। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना तो भूलना मत, है ना, और सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसा वीडियो मैं बनाते रहता हूँ आप लोगों के लिए।